आप सभी का स्वागत है रवि जॉन बिजनेस आइडिया में। आज हम आए हैं तिहाड़ स्कूल ऑफ आर्ट का स्टॉल है, जहां तिहाड़ जेल में जो बंद कैदी हैं, जो बच्चे हैं, उनके द्वारा बने हुए प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। तो आइए चल के देखते हैं। नई वीडियो जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो सुरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन बिजनेस आइडिया में। ओके, थैंक यू सर। तो ये जो आप प्रोडक्ट लेके आए हैं, ये कहाँ तैयार होते हैं और इनका क्या क्या प्राइस है और इसका जो है आगे सेल का क्या सिस्टम है? ये सर तिहाड़ जेल में बनते हैं। तिहाड़ जेल के जो इनमेट्स होते हैं वो बनाते हैं सर। मतलब जो कैदी हैं वही बनाते हैं? वो कैदी है वही बनाते हैं सर। हमारे वहाँ एक बहुत बेकरी है जी, बहुत बड़ी बेकरी है, 24 घंटे चलती है, 24/7 चलती रहती है जी। और हमारे प्रोडक्ट्स जैसे कि मफिन, ब्राउनी, केक्स, मट्ठी, बिस्किट्स, अंगूरी पेठा स्पेशल, सूखा पेठा, शक्करपारे, बेसन लड्डू, और इसके अलावा ये बूंदी लड्डू, इसके अलावा नमकीन, हैंड वॉश, मैंगो खटाई, चॉकलेट खटाई, चद्दर, इसके अलावा हमारे 400 के करीब हमारा सामान बनता है वहाँ पर। मतलब जो है 400 प्रोडक्ट जो है हमारे जो कैदी हैं तिहाड़ जेल में वो बना के जो है यहाँ दे रहे हैं। हमारी दिल्ली में जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल है सर, जो डेस्क सब और कुर्सी, डेस्क चेयर टेबल टोटल हमारी ही सप्लाई होती है। तो लगभग एक दिन में हम 200 के करीब डेस्क पहुँचा देते हैं। हाँ जी, और 200 के करीब हम पहुँचा देते हैं हर स्कूल के अंदर। तो हमारी साल भर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट होता है जी। तो सर, जैसा कि जैसे आपने ये इतने प्रोडक्ट बताए, तो मतलब जो मार्केट में जो रेट है इन चीजों के और आपके रेटों में कितना अंतर है? हमारे रेट बिल्कुल रिजनेबल है सर, और जो भी हमारा सामान बना हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह से। हमारी बेकरी में जाइए आप, इतनी साफ सफाई मिलेगी, आप बाहर जाकर देखिएगा हमारी बेकरी में टोपी ओढ़े हुए, पहने हुए ड्रेस अलग से, बिल्कुल साफ सफाई से काम करवाते हैं। वो तो कैद में डिसिप्लिन है ही, वो बिना डिसिप्लिन के वहाँ क्या चलेगा? नहीं, फिर भी वो प्रॉपर डिसिप्लिन है, बिल्कुल साफ सफाई का हम विशेष ध्यान देते हैं सर। कोई भी सर जी, जैसे लोग वहाँ रहते हैं उनके सामने डिसिप्लिन में हर आदमी काम करता है, तो फिर तो वहाँ तो कोई मतलब गलत होने का, और कोई भी हमारे जी मिलावट नहीं होती। हमारा सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है जी, अभी हमारे खत्म होगा जी, आज लेके आएंगे जी। तो सरसों का तेल है बिल्कुल हमारा, जो भी बहुत अधिकारी लोग। तो सर, जैसे कि आप यहाँ ट्रेड फेयर में ये स्टॉल लगा रहे हैं, तो दूसरा क्या है कि अगर मान लिया ये जो प्रोडक्ट हैं, अगर यहाँ से बाद में अगर कोई लेना चाहे तो ये प्रोडक्ट हमारे कोर्ट्स में सर, 30 कोर्ट, हाई कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, पुसा, अच्छा, इनमें हमारे आउटलेट है सर। मतलब वो कोर्ट जहाँ पे भी हैं उनमें आउटलेट है। ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि कोई इन सामान का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए? ऐसा सर हमारे हम इतना बना नहीं सकते सामान की हम बेच के बाहर इतना। हाँ, मतलब हमारे दो आउटलेट जेल के बाहर भी हैं जी। अच्छा, तिहाड़ हाट और तिहाड़ एम्पोरियम, तो वहाँ पर भी 10-7 खुले रहते हैं सर। कोई भी बाहर के आकर के कोई भी सामान वहाँ से खरीद सकता है। इसके अलावा कोर्ट शो में कोई भी बाहर से आकर सामान खरीद सकता है वहाँ पर जी। तो ये जो पहल हुई, इसकी जो स्टार्टिंग हुई, उसे कितना टाइम हो गया? ये किरण बेदी जी ने स्टार्टिंग की थी जी। अच्छा अच्छा, किरण बेदी जी ने जो है इस, जब वो यहाँ पे थी 84 में सर, मेरे साथ 84 में किरण बेदी जी आई थी। हाँ, उसने ही ये कार ये जो प्रोडक्ट वगैरह ये बनवाने, उन्होंने ही स्टार्ट किया। उनका बहुत अच्छा कदम रहा, उन्हें बहुत ही अच्छे साफ, उन्होंने पान गुटखा भी उन्होंने ही बंद करवाया था जी। पहले बीड़ी सिगरेट भी पीते थे उन्होंने, आकर बिल्कुल साफ सफाई ऐसी होती है जेल में, जैसे कि जैसे हम साउथ में जाते हैं सर, सड़कों पर साफ सफाई मिलती है, ऐसे हमारे वहाँ जेल में भी सफाई होती मंदिर है, की तरह बहुत अच्छे से बिल्कुल साफ सफाई रहती है जेल में, बिल्कुल अच्छी तरह से। और कोई भी जो कैदी हो या वालाती हो, उनको बिल्कुल अच्छी तरह से रखा जाता है जी। तो सर, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट हैं उनके आप सामने से जो मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उन्हें जरा रेट बता दें आप अपने 2-5 सामान के मोटे। सर, ये हमारी मफिन केक होता है 10 का सर, बिल्कुल। ये हमारी ब्राउनी है 70, ये हमारे जी केक हैं 60, ये हमारे लॉन नान खटाई 35, लड्डू है जी 80, बेसन लड्डू, शक्करपार है जी 65, स्पेशल पेठा जी 70, हाँ, और जी अंगूरी पेठा जो हमारा बहुत ही बढ़िया होता है स्पेशल, ये भी हम 70 में बेचते हैं सर। इसके अलावा हैंडवाश है 110, छोटा हैंडवाश 70, इसके अलावा साबुन है 50, 30, 20, सोप, गिल्ड सील सोप है जी।
जो बहुत ही हाथ से बनाए हुए हैं, जो 18 से 21 एज के जो हैं जी बंद जेल में वो बनाते हैं जी। अच्छा, बच्चा जेल बच्चे हैं। हाँ, बच्चा जेल होते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे जो जेल में हैं, बाल कारागार में जो हैं, वो बच्चे ये सोप बनाते हैं। सोप, मोमबत्ती, ये स्टिक्स। अच्छा, जैसा कि वो बच्चे यहाँ बना रहे हैं और कुछ टाइम बाद मतलब वो जैसे भी है वो रिहा हो जाएंगे, तो क्या इतने वो मतलब कामयाब हो गए हैं वहाँ के, वो जाके अपना काम शुरू कर सकते हैं? सर, हमारी पेंटिंग देखो सर आप जी, हमारे पेंटिंग 1,00,000 रुपए तक बिक चुकी है पहले, और यहाँ पेंटिंग भी हमारी 10 पेंटिंग भी जो वहीं पे बनाई गई है। 4 नंबर जेल में आर्ट ऑफ गैलरी हमारी सर, वहाँ पर आप जाकर देखिए, बहुत ही बड़ी आर्ट ऑफ गैलरी है। वहाँ पर 300 स्टूडेंट लगभग हम सिखा रहे हैं जी। तो ये जो जितनी पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग हमारी पेंटिंग है। अच्छा, ये सभी जो है जूट बैग, इसके अलावा जूट बैग है सर 4 नंबर में जी, जो जूट बैग हम बनाते हैं, ये भी हमने यूनिट खोली हुई है जूट बैग की भी। जूट बैग भी हम, तो जैसे कि मैं ये पेंटिंग देख रहा हूँ, तो इसमें किस किस रेट की पेंटिंग है? इसमें 5,000, 4,000, 2,000 तक रेट है सर यहाँ तो। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा जो एक फेस्टिवल हुआ था उसमें हमारी पेंटिंग बहुत अच्छी बिकी, 1,00,000 रुपए तक की पेंटिंग बिक गई थी। अच्छा, वो 1,00,000 रुपए की पेंटिंग जो है मतलब तिहाड़ जेल के बच्चों ने जो बनाई वो सेल हो चुकी है। तो अब आपने ये सभी जानकारी दी, इसके अलावा आप बाहर जो लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं बाहर वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि जी सभी वो क्रिमिनल अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं कि क्रिमिनल हो गया तो वो बुरा हो गया, मतलब वो किसी परेशानी से किसी कारण से कोई एक मिनट का गुस्सा होता है उसके अंदर बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो सभी बढ़िया हैं और सभी अच्छे हैं, कोई भी बदतमीजी नहीं करता अंदर, सभी अच्छी तरह से रहते हैं, सभी अच्छी तरह से काम करते हैं वहाँ पे, और अपनी काम करने के अलावा इनको तनख्वाह भी दी जाती है मंथली सर। अच्छा अच्छा, उन्हें वहाँ पे सैलरी मिलती है सर, जो भी काम करता है उनको सैलरी दी जाती है सभी को प्रॉपर। तो यादव जी, आपने ये अपने प्रोडक्ट दिखाए तिहाड़ जेल के, और ये इतनी अच्छी सी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।